त्रिकोणमिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100% आने वाला है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो बात यह होगा कि आपका यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है 4x5, इसका तो मैं गारंटी नहीं लूंगा भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 4x5 ही रहेगा, इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है। सिर्फ मैं आपको टाइप बता रहा हूँ और आप टाइप सीखिए किस तरह दिया जाता है। तो मान निकालने के लिए दिया जाएगा, तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिसाब को आप देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तब फिर भी आप एक बार रिविजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखिए हम बताते हैं इसमें क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर 4x5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम यहाँ पे बता दें, साइन थीटा बराबर 4x5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 4x5, कॉस थीटा बराबर व्हाट, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर बी व्हाट। तो इसका हमको वैल्यू निकालना इसी चीज़ का है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं ये ट्रायंगल का। तो ये ए रख दिए इसका नाम, इसका बी और इसका सी। आप तो ये हो गया ए बी सी, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका कर्ण। तो ये समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या भाई, बी सी निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बी सी निकाल के बताते हैं। बी सी निकाल के और इसका कॉस्ट का और टेन का वैल्यू रखना है, कॉस्ट थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बी सी बराबर निकाल के बताते हैं। बी सी, ये बी सी निकालना होगा, तब हम कॉस और टेन का वैल्यू रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो भाई हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, तो भाई हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हमको जानना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कम टाइम मिलता है। तो देखिए ए सी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाता है 16, ये हो गया। तो हम यहाँ पे फटाक से लिखेंगे 25 माइनस 16, आप वहाँ पे देख लीजिए यदि समझ में नहीं आता है। चलिए हम कर ही देते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 25 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। इसको जब माइनस करते हैं 25 माइनस 16 तो कितना हो जाता है रूट अंडर 9, और इसको क्या हो जाता है यहाँ पे ऐसे कर लो 3 × 3, एक 3 आ जाता है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका निकल गया 3, क्या निकला बी सी बराबर 3 निकला। तो यहाँ पे भर दीजिए बी सी बराबर 3। अब देखिए ये कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी सी बाय ए सी होगा। तो यहाँ लिखिए कॉस थीटा बराबर बी सी बाय ए सी, तो बी सी क्या हो गया बी और सी, तो 3 बाय ए सी, ए सी का वैल्यू 5, तो 5 हो गया। अब टेन का देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ए बी बटे बी सी होता है, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी होता है। तो टेन ए बी क्या हो गया आपका ए और बी, तो 4 और बी सी तो 3। तो ये आपका आंसर हो गया, साइन थीटा बराबर 4x5 था, कॉस थीटा का निकल गया 3x5 और टेन थीटा बराबर निकल गया 4x3। तो इसी तरह का हिसाब एक दो और हम हिसाब देख लेते हैं, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम हॉल में एक्चुअली टाइम कम मिलता है, तो उसको शॉर्ट जितना हो सके उतना बनाने का कोशिश कीजिए। ये तो आपको लॉन्ग बताया, इससे जो बाद में हम आपको बताएंगे वो पूर्ण रूपेण शॉर्ट बताएंगे, समझते जाइए। तो दोस्त अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर जो हिसाब है, इसी तरह का हिसाब हम आपको बताएंगे और ये पूर्ण रूपेण शॉर्ट बताएंगे और आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह का एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको कैर करके आप अपने घर में बैठ के इसको बनाओ, जितना हो सके बनाने की कोशिश करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बोल रहे हैं आपको प्रूव करने के लिए सिखाएंगे कैसे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पर दिया है कॉस थीटा बराबर 4x5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। कितना ईजी है, कॉस थीटा बराबर 4x5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो एक यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी, तो ये देखिए आपको यहां पे दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 4x5, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। यहां पे कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण, तो यहां पे आधार आपका क्या हो जाता है 4 और ये क्या हो गया कर्ण आपका, ये ए सी क्या हो गया कर्ण, ये हो गया 5। ये तो दिया हुआ नहीं, ये निकालना हमको। तो दोस्त इसमें हमको निकालना होगा ए बी निकालना होगा। तो जैसे कि आप इससे पहले वाला हिसाब में देख चुके होंगे कि 5 का स्क्वायर किए थे और 4 का स्क्वायर किए थे, तो 5 का स्क्वायर किए हम यहाँ पे तो क्या हो गया 25 और 4 का स्क्वायर किए तो आ गया 16, जब इसको माइनस किए तो आता है 9 रूट अंडर, तो इसका क्या हो जाता है 3।
ये तो आप जान गए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट निकाल रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ए सी बराबर आपका क्या निकल गया, थ्री। तो यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं ए सी बराबर थ्री, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ए सी बराबर जब मेरा थ्री निकल गया, अब टेन थीटा बराबर निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे थ्री बाय फोर। तो यहाँ पे लिख दो ना भाई, थ्री बाय फोर मतलब क्या, ये यहाँ पे जो है टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बाय आधार हो जाता है। ये था, और इसके बाद जो देखेंगे वो भी हम शॉर्ट टाइप से देखेंगे, आपको समझा के आज छोड़ना है कि मान निकालने वाला में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड एग्जाम के लिए भाई दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं हम हिसाब इसी तरह का कुछ। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे थ्री नंबर में जो दे, थोड़ा सा ये लफड़ा वाला है, लफड़ा नहीं कुछ नहीं, आप इसको समझ लो लफड़ा कहाँ करता है। यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए इक्वल एट, तो यहीं पे बच्चा फंस जाता है, बाकी साइन और सेक का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कॉट ए इक्वल आपका हो जाएगा 8/15, इस तरह लिखना होगा। तो चलिए अब हम निकालना हमको यहाँ पे साइन का वैल्यू, साइन ए इक्वल और सेक का वैल्यू, साइन और सेक का वैल्यू निकाला। चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, फटाक से एक ट्रायंगल बनाते हैं, और आपको कॉट थीटा बराबर पता होगा, ये कॉट थीटा बराबर ए बी सी, ए बी सी। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका क्या 8 आधार, और लंब क्या हो गया 15, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, AC ही निकालना है, तो AC निकालते हैं, यहाँ पे AC निकालना होगा। चलिए AC निकाल के देखते हैं, यहाँ पे हम AC बराबर हो जाएगा आपका मतलब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करना है ना। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 225। इस स्क्वायर को तो कम से कम आप 20 तक याद ही रखो, और ये क्या हो जाएगा 64। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आता है 54962 8, और ये हो गया 289 आपका, इसका रूट जो है आप निकालिएगा तो 17 आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं 17 × 70, तो 17 हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिए। ये क्या निकल गया मेरा, आप 17, ये 17 निकल गया। अब हमको निकालना भाई साइन ए और सेक ए बराबर क्या होगा, देखिए तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो गया ये और कर्ण हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 15/17, और सेक बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये भाई कर्ण हुआ ना और ये आधार हो गया आपका आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो मतलब AC/BC, तो 17/8, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह जो हम अब एक और हिसाब आपको बताएंगे जो वो भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह का पूछा जाता है, टाइप थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, यहाँ पे 15 आ गया था, इससे पहले हमको यहाँ पे बाय में मिलता था, इस तरह का मिलता था, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए हम इसको भी, तो अब जो है हम इससे भी थोड़ा सा अलग हट के चलते हैं। देखिए अलग हट के कैसे चलते हैं, यहाँ पर दिया टेन ए रूट 3/2 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। भैया यहाँ पे तो हम कॉस का मान ज्ञात किए थे, साइन का मान ज्ञात किए थे, वो तो चला, और यहाँ पे बदलाव क्या, यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा रूट आ गया, तो रूट आ जाते तो कुछ बच्चे घबरा जाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब रूट आता है, तो शॉर्ट हो जाता है साहब। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम टेन थीटा बराबर लिखते हैं, यहाँ पर टेन थीटा बराबर लिखे 3/2 √3/2 दिया हुआ, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाए और इसका नाम लिख दिए AB और C। तो भाई बात करें टेन बराबर क्या होता है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो AB/BC होता है, ये टेन थीटा बराबर टेन ए इक्वल निकल गया।
अब हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। तो इससे पहले हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए बी का रूट थ्री और बी सी का टू। अब हमको निकालना ए सी। जब तक ना भाई ए सी निकालेंगे तब तक मुझे ये साइन और कॉस का वैल्यू नहीं पता होगा। चलिए देख लेते हैं ए सी निकालते हैं, ए सी कैसे निकालेंगे। तो आप तो पता होगा आपको ए सी बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस ये टू का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे थ्री का जब स्क्वायर करेंगे तो बाबू ये रूट जो है और ये स्क्वायर है ये दोनों ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आना चाहिए, घबराने की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्री और टू का स्क्वायर फोर, इसका आंसर आ गया सेवन, रूट सेवन है। और इसका तो अथी निकल नहीं सकता रूट से ये बाहर, सेवन। तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। तो देखना है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बाबू यहाँ पे हम लिख लिए साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता आपका ए बी बाय ए सी, प्लस आपको कॉस ए बराबर हो जाता है बी सी बाय ए सी। आपको याद रखना होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आप वो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालिए, ए बी क्या हो जाता है रूट थ्री और ए सी क्या है आपका रूट सेवन। चलिए प्लस करते हैं बी सी का टू और ए सी, ए सी रूट सेवन। ये आप देख लीजिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू रखे हैं और ए सी का वैल्यू रखे हैं और यहाँ पे बी सी, तो बी सी का वैल्यू रखे हैं और ए सी, तो ए सी का वैल्यू यहाँ रखे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना होगा। ये भिन्न का जोड़ आपको याद होगा, जो भिन्न का जोड़ बोलते हैं उसी टाइप का आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, रूट सेवन और रूट सेवन जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट सेवन ही। तो रूट सेवन आ गया और ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे वन से डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ही रूट थ्री आएगा, प्लस इसको तो वही बात है यहाँ पे ये हो जाएगा। तो शायद यही आंसर हो जाएगा, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि अब ये तो ऐड होगा नहीं, यहीं पे रह जाएगा। तो यहीं तक ये आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अगला जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक पे हम ज़रूर बात करें। कुछ बच्चे ने हमें बोला सर हमको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इस पर थोड़ा सा ये हिंट दिया बताया, और अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा और बनाते ही हम रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलना यार, एक लाइक से आपको मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेकर।